औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने और पारंपरिक खेलों के प्रति उनकी पहचान करने के साथ ही आज के युवाओं में बढ़ती मादक पदार्थों के नशे का सेवन, मोबाइल की लत को देखते हुए पीथमपुर सागौर क्षेत्र के धार जिले के भोजकेसरी पहलवान विजय गोड़ के द्वारा क्षेत्र में दंगल आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 700 पहलवानों ने हिस्सा लिया, जहां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय महिला पहलवान तान्या जोशी रही। वहीं कार्यक्रम के आयोजक श्री बजरंग व्यायामशाला एवं कृष्ण नंदिनी गौशाला रहे। वहीं कार्यक्रम के सहयोगी बबलू गोड़ ने बताया कि दंगल हमारा सबसे पौराणिक और पारंपरिक खेल है, परंतु आज के समय में क्रिकेट और अन्य खेलों की ओर जिस तरह लोगों का आकर्षण है और हमारी पहचान बताने वाले पौराणिक खेलों से युवाओं की पहचान करना, उन्हें मैदानी खेलों की ओर वापस लाना हमारा मकसद है। वहीं अभी हाल ही हुए ओलंपिक में जिस तरह अन्य प्रदेश के युवाओं ने देश का नाम रोशन किया, उसी तरह हमारे देश के युवा भी आगे आए और इन खेलों से जुड़कर क्षेत्र, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। कहाँ से आई है? मैं देवालपुर से। सुना है आपने नेशनल लेवल पर कुश्ती लड़ी है, कहाँ? हाँ, नेशनल टूर्नामेंट दिल्ली 2017-18 स्कूल गेम्स। किस संस्था से आई? कृपा शंकर पटेल कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र देवालपुर। आपका नाम बता? मेरा नाम तान्या जोशी है। बताइए, आज ये कुश्ती आपने लड़ी है, क्या रहा आपका अनुभव, कहाँ से आए हैं? मैं महू से आई हूँ। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, मैं पिछले 5 सालों से कुश्ती लड़ रही हूँ और मैंने अभी तक के बहुत सारी कुश्तियाँ लड़ी हैं, उसमें जीत हासिल करी है। मेरे को बहुत अच्छा लगा खेलकर। आज कौन से संस्थान से हो? मैं गोविंद धाम आश्रम। कहाँ से? महू से। कौन, अभी जो कुश्ती हुई वो कितने किलोग्राम में हुई आपकी? 60 में। क्या रहा आपका रिजल्ट? मैं जीत गई। बधाई हो आपको। हाँ, धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। माही कौशल। कुश्ती का आयोजन ये है कि यहाँ पर 12 साल से कोई कुश्ती का आयोजन या कोई खेल का आयोजन नहीं हुआ था, इसलिए हमने दंगल का आयोजन करवाया। इसमें पहलवानों ने 301 पहलवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे युवाओं को जो मोबाइल की लतें हैं, नशों की लतें हैं, उससे दूर करने के लिए कुश्ती के इसको दंगल को आयोजित किया गया है। और इसमें कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारा पारंपरिक खेल है और इसको बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया गया है। बबलू गोड़। कुश्ती का आयोजन क्या है आपके द्वारा, क्या है पूरा आयोजन? ये राजा भोज की नगरी है जो धार जिला, इसके धार नगर में सागौर क्षेत्र में हमने भोज केसरी दंगल का आयोजन करा है। इसमें सभी वर्ग के पहलवान लड़े हैं, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 किलो के सभी पहलवान इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। और यहाँ पर महिला पहलवानों की भी कुश्ती है और एक अच्छा टूर्नामेंट है। सभी दूर के यहाँ पहलवान आए हैं, इंदौर, महू, देपालपुर, धार, देवास, खरगोन, बुरहानपुर और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से, कोल्हापुर से भी पहलवान यहाँ पधारे हैं और एक भव्य टूर्नामेंट है। हमारा कुश्ती को केवल एक ही मकसद है, कार्यक्रम करवाना कि इस खेल को बढ़ावा मिले, क्योंकि करीब आज से 12 साल पहले हमारे गांव सागौर नगर में ये कार्यक्रम होते थे कुश्ती के, लेकिन 12-13 सालों से स्थगित पड़े हैं। तो हमने इस कार्यक्रम की नींव रखते हुए ये कार्यक्रम को हमने जान दी है। हम करीब इन 1 महीने के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम आज हमारा सफल हुआ है और एक अच्छा भव्य टूर्नामेंट हुआ है। इसमें करीब 500 से 700 पहलवानों ने भाग लिया है और टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा भव्य टूर्नामेंट है ये। और इसका कराने का केवल एक ही उद्देश्य है, कुश्ती खेल को जगत को बढ़ावा मिले और युवाओं में अच्छा
एक संदेश जाए। आज की जनरेशन में जो युवा हैं वो जो नशे की लत से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हर किसी के अलग अलग नशे हो गए हैं, तो उस नशे की आदत को देखते हुए हमने कार्यक्रम करा है ताकि हमारे खेल के माध्यम से युवाओं में एक अच्छा संदेश जाए, उनमें जोश आए और वो खेल के इस कुश्ती के माध्यम से खेल से जुड़े। इसी के उद्देश्य से हमने दंगल का करा है और हमारा दंगल अच्छा काफ़ी सफल हुआ है, बहुत अच्छा दंगल हुआ है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन, गांव के सभी अतिथि वगैरह और हमारे सहयोगी बबलू जी गोड़, सोनू कीर, राधेश्याम जी मुकाती, इनका सभी का बहुत अच्छा सहयोग योगदान रहा है। हम सभी के अथक प्रयासों से करीब एक महीने की मेहनत से ये आयोजन हमने सफल किया है, एक अच्छा सफल आयोजन हुआ। ठीक, मैं विजय गोड़ पहलवान धार संभाग केसरी, वो आयोजक विजय गोड़ पहलवान धार संभाग केसरी भोज केसरी, मध्य प्रदेश केसरी में भी मैं तीसरे स्थान प्राप्त किया है मैंने, उसी के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।